नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 सनराइज। मैं रिया। आइए बढ़ते खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 लोगों का हत्या कर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद के चलते ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला पिता बेटी और दामाद को गोली मारकर हत्या करने का है। इस तरह पिता बेटी और दामाद की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने कई घरों में आगजनी की। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं आगजनी और हंगामे के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार कौशाम्बी के हर रायपुर में पिता बेटी और दामाद की हत्या के बाद नाराज ग्रामीणों ने करीब 12 घरों में आग लगा दी है। 3 लोगों की हत्या के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए हैं और पूरे इलाके में हंगामा करने लगे। हालांकि घटना के बाद भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अभी मौके पर तनाव की स्थिति नहीं है। बताया जा रहा है कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पंडा चौराहा पर कुछ जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बाद पिता बेटी और दामाद की हत्या कर दी गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने इलाके में खूब हंगामा किया और कई घरों में आग लगा दी। हालांकि घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया है, इसको लेकर कौशाम्बी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आइए सुनते हैं कौशाम्बी SP ब्रिजेश श्रीवास्तव ने इस घटना के बारे में क्या बताया। देखिए, ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी जमीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद थे, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहे द सोशल राइज।